हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं ना यहाँ छोटी सिटी में था ना, मैं अपने आपको बताया था मैं यहाँ पर थोड़े दिन रुकने वाला हूँ। और अच्छा, यहाँ छोटी सिटी में थोड़ा फ़ायदा ये है, थोड़ा सामान खाने पीने का सस्ता है। और अभी मैंने ये कोकोनट वाटर लिया है, तो ये मिला मुझे 3 रियल का, अराउंड 40 रुपये इंडिया के। हमारे तो पंजाब में तकरीबन ज़्यादातर 50 रुपये का मिलता है, और ऐसा है माहौल यहाँ पर। एक्चुअली गाइस, ये एक बस स्टेशन के पास है जगह, तो ये रास्ता खुली रहती है। मैं थोड़ा लेट आया था तो सब कुछ बंद था यहाँ पर शहर में। गाइस ये देखिए, सामने बस स्टेशन है, ये बस स्टेशन की एंट्री है, दूसरी तरफ से भी एंट्री है बस स्टेशन की। यहाँ पर हूँ मैं, तो ये है शॉप जो खुली रहती है, और पास में ही थोड़े बहुत होटल वगैरह हैं। बस स्टेशन जैसे टिपिकल छोटा सा बस स्टेशन होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और इस सिटी में, इस टाउन में ये है कि यहाँ जो शॉप्स हैं ना, सारा शॉप्स मार्केट 6 बजे बंद कर देते हैं शाम के। मुझे लगा था शायद ये कोरोना के कारण जल्दी बंद कर देते हैं, पर ये गाइस ऐसे करते हैं, इनका परमानेंटली शुरू से ऐसा हिसाब किताब है। तो गाइस ये 6 बजे वाला हिसाब किताब मुझे पसंद नहीं आया। 6 बजे ही सारी मार्केट बंद हो जाती है, बार्बर की और कपड़े खरीदने की। मैंने कुछ सामान लेना था तो 6 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। तो गाइस 6 बजे तो हम काम करके फिनिश करके घर जाते हैं, और अगर 6 बजे ये गाइस बंद कर देंगे तो फिर लोग शॉपिंग कैसे करेंगे, राइट? पता नहीं कैसा हिसाब किताब है। A few minutes later. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं ना यहाँ एक बार में आया था, तो मैंने सोचा आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। तो मैंने ना फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए थे, तो दिखाता हूँ आपको। ये गाइस ये फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए थे, और फ्लिप करके दिखाता हूँ आपको इंटरेस्टिंग चीज़। देखिए गाइस, ये फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए थे, ये ना ऐसा पहाड़ बना हुआ था पूरा। तो हमने खाना शुरू किया, और जब ऐसे थोड़ा कम रह गया उसके बाद हमने ये फाउंड आउट किया, यहाँ पर मिस्ट्री है, बहुत बड़ी मिस्ट्री है, इन्होंने अंदर रखा हुआ है। यार गाइस क्या करते हैं ये गाइस, इन्होंने पूरी फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट हाफ हाफ प्लेट ख़त्म करके उसके बाद मुझे पता चला यहाँ पर सॉस भी है। क्या करते हैं यार ये गाइस, ये मैंने सोचा था ऐसे काम इंडिया में होते हैं, ये तो साले हमारे इंडिया से भी आ गए हैं। Tomorrow. अच्छा तो गाइस, आज मैं यहाँ पर आया हूँ एक जगह पर, यहाँ पैसे विदड्रॉ करा सकते हैं आप, ATM है यहाँ पर, ठीक है? तो दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ ये जो है यहाँ स्ट्रीट है, इस तरह की स्ट्रीट है। ये है मेरे पीछे जो बैंक है, ये बैंक का नाम है ITAU, ऐसे कुछ है। तो हम जा रहे हैं अंदर, यहाँ लोग पैसे विदड्रॉ करा रहे हैं, और ये है मशीन। तो मैं थोड़ा आपको पोर्चुगीज की एक वर्ड सिखाता, पोर्चुगीज का साइदा। साइदा मतलब होता है एग्जिट, और मैं अभी आपको एग्जिट दिखाता हूँ, स्ट्रीट दिखाता हूँ यहाँ की। तो आज सारा कुछ बंद है क्योंकि आज हॉलिडे है यहाँ पर, इसलिए सब कुछ बंद है, सारी दुकानें बंद है।
और काफी हद तक हमारे इंडिया से मिलता जुलता है, मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं लग रहा, पर अच्छा है। आज गर्मी है, बाहर गर्मी है, यहाँ देखिए धूप कितनी तेज है। अगर आप घर के अंदर बैठे हैं, फैन के नीचे बैठे हैं, तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आप घर के बाहर हैं, धूप में हैं, तो आपको गर्मी लगेगी। गाइस यहाँ पर शायद लॉटरी का सिस्टम है। गाइस हम गए थे कोल लेने, देखिए, और ये लेकर आए हैं, रात को बारबेक्यू चलेगा फिर, और उसके लिए कोयला चाहिए था। ये देखिए